नगर नगर है उलझने, सहर सहर बुकाए दिल, नजर नजर है बेहिसी, बहर बहर बलाए दिल। नहीं पता कहाँ किस्म चल रहा है कारवां, नहीं पता कि किस जगह पे रुक गई है दास्तां। चमन की हर कली कली लहू से लाल लाल है, जहन पे हर शबो सहर अजीब से सवाल हैं। सवाल है कि किस तरह से प्यास को बुझाएंगे, सवाल है कि राहबर कहाँ को लेके जाएंगे। सवाल है नफस नफस खुदाए आसमान से, सवाल है कि ख्वाब सारे जेरे खाक सो गए। सवाल कर रही हैं माए जिनके लाल खो गए। I draw and write about the toll of conflict on human life in Kashmir. My work is an attempt to bring back a moment from past with all its beauty and brutality. I call my work visual documentation. Living here comes with this responsibility of telling the truth, our individual truths, our little stories. I haven't been able to detach myself from the reality of my homeland and the effect that the politics has had on people here. Everybody is broken, everybody is trying to heal. But this healing here takes very long, or worse, it never happens, because you fall over and again and you hurt yourselves at the same spot repeatedly. A great artist once said, "Internet is uncontrollable, and because it's uncontrollable, freedom wins." Well, I guess he wasn't familiar with the thing called internet shutdowns, but the essence remains. We try. वतन का हर जरा जरा तो रोशनी से दूर है, जो सूफियों की शान था कहाँ छुपा वो नूर है। जहर हमारी सोच में मिला दिया वतन के इश्क का दिया, बुझा दिया बुझा दिया। When I started my journey as a painter, I used to paint blue skies and vast green fields. But now it is all barren, and I have evolved more aggressive in my choice of colors. It was not far from my childhood that I started noticing the presence of blood and suffering in my paintings. I started battling nightmares about nocturnal raids or my body being dragged out of my home, and I have no clue of any crime. So yes, my artistic expression certainly gets influenced by conflict. Maybe not just influenced, maybe driven or born out of it. I tried to run away from it, but it has kept ambushing me back. And now I have stopped the denial. I live with the truth, and it helps me generate hope for normalcy and a better tomorrow. And I hope one day I will paint a happy Kashmir. I was born on a curfew night in 1993, and since then I have seen all this army, bloodshed, turmoil, hardal, curfew. I carry all this experience, and my work will always speak about it. मगर ए जुल्म की हवा हमारे दिन भी आएंगे, कि जब मताए शोक तेरी साजिशें मिटाएंगे। वो लफ्ज लफ्ज जोड़कर रुकावटें बनाएंगे, वो तेरी आग जख्म दिल के खून से बुझाएंगे। बचपन में चूंकि जब शेर लिखना शुरू किया तो जड़ों में यही इश्क व हुस्न और इसके आसपास के मज़मून जो है मुझे बहुत मुतासिर करते थे। वक्त के साथ साथ जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ और मुझे पता चला कि अब मेरे अशआर में मेरे एहसासात, मेरे जज्बात और मेरे मुशाहिदात आ रहे हैं,
ये ऐसा वक्त था जब कश्मीर के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं थे, और ज़ाहिर सी बात है कि इसी का असर मेरे शेर में भी आया। 2 साल पहले मैंने एस्केप करने की कोशिश की इस रियलिटी से, इस हकीकत से, मैं भागना चाह रहा था, और मैंने शेर बांधा कि न तो आँखों से न उस दिल से गिला रहता है, मेरे सीने का हर एक चाक सिला रहता है। गैर की बज़्म में जाकर कभी घबराना मत, मेरा दरवाज़ा मेरी जान खुला रहता है। ये 2 शेर मैंने लिखे थे कि मेरे पास मेरे भाई का फ़ोन आया, जिन्होंने मुझे एक बहुत बुरी खबर सुनाई, और उस खबर को सुनने के फौरन बाद मेरा जो 3रा शेर है फिर उसी जगह पर आ गया जहाँ से मैं भाग रहा था, कि तेज़ तूफ़ान से लुटा हाय आशियाँ जिनका, उन परिंदों को हवाओं से गिला रहता है। तो ये खबर दरअसल हमारे मशहूर शायर जनाब मदहोश बालहामी साहब के घर इनकाउंटर हुआ था, जिसमें उनका पूरा कलाम जल गया था, जिस बात को मैंने बहुत महसूस किया और मैं फिर भाग नहीं पाया। और यही हमारा सफ़र है, और बकौल गालिब आता है अभी देखिए क्या क्या मेरे आगे, तो जो जो आता रहेगा वही हमारे कलम से भी निकलता रहेगा। सरनगुं तूफान रहेगा सामने अब्बास के, सरनगुं तूफान रहेगा सामने अब्बास के, ये मवद्दत के दिए हर आन जलते जाएंगे।